फ्रेंड्स, आज का जो नाश्ता है ना, वो हम बनाने जा रहे हैं चने दाल से, इसलिए ये बहुत हेल्दी होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे बनाया है। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप चना दाल। तो ये चना दाल है और इसको मैंने रात भर सोख करके रख दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गई है। आप चाहे तो 5 से 6 घंटा भी सोख करके रखेंगे ना, तो भी ये अच्छे से फूल जाती है। तो बस इसके बाद अभी हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से धुल लेना है 2 से 3 पानी, और इसको हम छान लेंगे। तो ये देखिए, इसका पानी निकाल के और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर में छान लिया है। अब यहाँ पर हम मिक्सर जार लेंगे और दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर जार में। तो यहाँ पर सारी दाल को मैंने यहाँ पर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बस इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें अब हम डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और उसमें हम ऐड कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लहसुन मैंने डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ इसमें अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है 2 मीडियम साइज़ की, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया इसमें। अब थोड़े से इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली है। तो 1 चम्मच जीरा है, 8 से 10 काली मिर्च है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 ग्लास से भी कम, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से पीस लिया मैंने। और इसके बाद चलते हैं अब हम गैस के पास। और यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, सरसों के तेल में आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी सरसों, और इसके साथ अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। तो इसमें हींग का फ्लेवर भी अच्छा आता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम चने दाल का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप हींग ज़रूर ऐड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 पिंच हींग ऐड कर दिया, और फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा है, क्योंकि अभी हम मसाले ऐड करेंगे ना, तो मसाले हमारे जल सकते हैं, इसलिए मैंने एकदम लो फ्लेम पर कुकिंग करी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से थोड़ा सा चटकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये बढ़िया से थोड़े से क्रैकल हो गए हैं। तो बस इसमें अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है, और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर, और उसी के साथ अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो ये देखिए, धनिया पाउडर ऐड कर दिया मैंने, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। गरम मसाला नहीं हो तो आप सब्जी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मिर्च भी डाली है ना, तो थोड़ा लाल मिर्च आप कम डालिएगा। और बस इसको हल्का सा भून लेते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पर, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और उसके बाद बस हल्का सा आप तेल, गर्म तेल है तो बस एक दोबारा आप मिला के, और उसके बाद फिर आप ये जो दाल वाला पेस्ट बना के रखे थे ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको भी हम सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और बिल्कुल आपको फ्लेम लो रखना है, और लो फ्लेम पे ही सारी कुकिंग करनी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल भी जाएगा और अच्छे से कुक भी नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसी के साथ अब इसमें हम नमक भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर दें। और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी, जिसमें इसका फ्लेवर ना अच्छा आता है, और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे अच्छे से कुक होने देते हैं। मतलब आप इसको ना चलाते रहेंगे तो ये जो दाल है ना, वो अच्छे से पक जाएगी, और ये जो बिल्कुल ना दाल जब पक जाएगी तो बिल्कुल डो फॉर्म में इकट्ठी होने लगेगी। तो बस उसी स्टेज तक हमें इसको कुक करना है। तो बस क्या करना है कि आपको बस गुठलियाँ ना पड़े, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से फ्लैट करते हुए और चलाते रहें लगातार, जिससे दाल भी पक जाएगी और गुठलियाँ भी बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको कुक करना है, लगातार आपको चलाना है। तो 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाता है, बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, और दाल भी अच्छे से हमारी पक जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसका मॉइस्चर जो है ना, वो ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि जब आप दाल पीसें ना, तो थोड़ा सा ही पानी का यूज़ करिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा पकाने में समय लग जाएगा।
तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितने अच्छे से दाल हमारी पिस जाए सिर्फ उतना ही। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो बन के रेडी हो गया। तो उसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, और तब तक मैंने यहाँ पे ना एक प्लेट ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने हल्का सा इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया, जिससे जब हम ये अपना मिक्सर निकालेंगे ना तो ये लगेगा नहीं थाली में। तो ये देखिए, ये जो हमारा दाल का जो मिक्सचर है ना वो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। तो ये देखिए, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इसको अच्छे से फ्लैट कर लीजिए। हल्का सा इसको आप रब करके एक बराबर कर लेंगे तो ये बिल्कुल डो जैसा बन जाएगा, और इसके बाद हम इसको एक शेप देंगे। तो बस इसको आप हाथों से भी अच्छे से फैला सकते हैं, नहीं तो आप स्पैचुला की हेल्प से भी इसको बढ़िया से फ्लैट कर सकते हैं। तो बस ये एक बराबर से फ्लैट हो गया है, इसको 1 से 2 मिनट ठंडा होने देंगे, इसके बाद फिर हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने ना इसको स्क्वायर शेप में कट किया है, आप चाहे तो इसको ट्राइंगल में भी कट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसको कट कर लेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहे ना तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको तड़का लगा के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक एक पीस में बिल्कुल ही आराम से निकल जाता है इजी। तो यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक एक पीस इसमें हम डाल देंगे और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि ये ऊपर से एकदम क्रिस्प हो जाता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे नाश्ते इसमें डाल दिए हैं, और जब ये नीचे से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसको पलट लीजिए। तो बस ये दोनों साइड से हम पलट के और बिल्कुल इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे इंजॉय करेंगे चाय के साथ। आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।